गुड मॉर्निंग क्लास वन, दिस इज़ योर EBS क्लास एंड वी आर डूइंग रिविजन चैप्टर नंबर 4 रिविजन एंड वी आर डूइंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज इन आर बुक. यस, तो लेसन नंबर 4 एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज पेज नंबर A51. पेज नंबर A51 वी आर राइट नाउ डूइंग एंड दिस इज़ द प्रैक्टिस असाइनमेंट. ये चैप्टर जो हमने पहले सीखा था उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मींस प्रैक्टिस असाइनमेंट के क्वेश्चन वी आर डूइंग राइट नाउ एज अ रिवीजन वर्क. एंड फॉर दैट वी हैव टेकन वन टॉपिक, वी हैव टू राइट डाउन फूड आइटम्स. ओके, वी हैव टू राइट डाउन 3 फूड आइटम्स इन अ करेक्ट कॉलम. हमको 3 कॉलम्स मिलेंगे, उन 3 कॉलम्स में हमको फूड आइटम्स सोच सोच के लिखनी है. यस, तो फर्स्ट वी आई एक्सप्लेन द टॉपिक, विच टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि उसमें हमें करना क्या है एंड देन वी विल डू द आंसर ऑल्सो. ओके, दिस इज़ योर प्रैक्टिस असाइनमेंट पेज नंबर A51. ओके, हियर इज द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट. द टॉप हेडिंग इज नेम 3 फूड्स दैट. The heading is name 3 foods. We have to write down 3 foods name. Name 3 foods. हमें यहाँ पे 3 foods name लिखने हैं. पर कौन से 3 foods name लिखने हैं? Categories बनी हुई है ना? उस categories के according हम लिखेंगे 1, 2, and 3. Okay. Number one is give us. GIVE give us energy. We have to write down 3 food items that gives us energy. ऐसे 3 food items हमें लिखने हैं जो हमें energy देते हैं, है ना? हमको work करने के लिए, play करने के लिए we get energy from food, और जिससे हम read कर सकते हैं, work कर सकते हैं, play कर सकते हैं. तो हम ऐसे कौन से item खाएं जिससे हमें more energies मिले. And we will learn the spellings also. Okay? तो हम क्या क्या खाना खाएं? आपको पता है हम बहुत सारे खानों का repetition करते हैं टू गेट अ एनर्जी, है ना? जैसे कि हम आफ्टरनून में चपातीस खाते हैं टू गेट अ एनर्जी एंड एट द नाइट ऑल्सो वी ईट चपातीस टू गेट अ एनर्जी. जो चपाती है, राइस है, बटर है, ब्रेड है, ये सारी फूड आइटम्स हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जिससे हम वर्क कर सकते हैं, जिससे हम प्ले कर सकते हैं. यस, हमने पढ़ा था ना, एक तो चपाती थी जिससे हमें एनर्जी मिलती थी, मैम ने ड्रॉ करके दिखाई थी, ये रही चपाती जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ये राइस RICE राइस जिससे हमें एनर्जी मिलती है, फिर बटर है ना, इनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ब्रेड से एनर्जी मिलती है. तो वी हैव टू राइट डाउन 3 फूड. हमें पता होगा किससे एनर्जी मिलती है तभी तो हम उसे फॉलो करेंगे, है ना? तो हमें एनर्जी मिलती है उसमें से फर्स्ट हम लिख लेंगे राइस, RICE राइस. इट इज़ वेरी इजी स्पेलिंग, RICE राइस. उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है चपाती से. तो फर्स्ट वी लर्न द स्पेलिंग ऑफ चपाती. CH साउंड वर्ड, यस्टरडे वी हैव लर्न CH साउंड वर्ड. हमने सीखे थे ना CH को हम च बोलेंगे, तो च CH, च आ, च पा, PA पा, च पा ती, TIT, च पा ती, चपाती. तो चपाती से एक हमें एनर्जी मिलती है, राइस चपाती, है ना? तो वी विल राइट डाउन चपाती, वी विल गेट एनर्जी फ्रॉम द चपातीज ऑल्सो. एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज बटर. ओके, BUTTER बटर, we will get energy from the butter also. So these foods are energy giving food. The next one, help us to grow. The next one is help us to GROW grow. We have to write down 3 food items that help us to grow. हमें 3 food item लिखने हैं जिससे कि हम grow कर सकते हैं,
जिससे कि हम जल्दी जल्दी बड़े हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जब हम UKG में थे तो वी आर अ स्मॉल बेबी, हम थोड़े छोटे थे, है ना। अब क्लास वन में हम थोड़े बड़े हो गए, हमारे बड़े भैया दीदी और भी बड़े, मम्मी पापा और भी बड़े, दादा दादी और भी बड़े, तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, है ना। पर्सन कैन ग्रो, ये ग्रो हो रहे हैं सारे लोग, ठीक है। तो ये हमें क्या, ग्रो करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, है ना। तो ऐसे फूड आइटम्स हमको 3 ढूंढने हैं जो हमें ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। कौन से 3 आइटम हैं, एक तो मिल्क, यस, एक तो है मिल्क, मिल्क हेल्पर्स टू ग्रो, जो हम सुबह दूध पीते हैं ना उससे हम ग्रो कर सकते हैं। एग ऑल्सो हेल्पर्स टू ग्रो, एग हेल्पर्स टू ग्रो। एंड द नेक्स्ट वन इज वी कैन से फिश, फिश ऑल्सो हेल्पर्स टू ग्रो, ओके। तो 3 थिंग्स दैट हेल्प अस टू ग्रो इज मिल्क, एग एंड फिश, ओके। तो दीज 3 आइटम दैट हेल्प अस टू ग्रो, मिल्क, एग एंड फिश, ओके, मिल्क, एग एंड फिश हेल्प अस टू ग्रो। नाउ नंबर 3, कीप अस हेल्दी, नंबर 3 इज कीप अस हेल्दी। हमें ऐसे फूड आइटम्स बताने हैं 3 जिससे कि हम हेल्दी रह सकते। फॉर द हेल्थ वी नो दैट वी विल ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हम बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं टू स्टे अ हेल्दी, यस। तो वी कैन राइट डाउन 3 फूड आइटम्स, जैसे कि एप्पल, मैंगो, कैरेट, दीज टाइप ऑफ फ्रूड आइटम्स वी कैन राइट डाउन टू स्टे हेल्दी, ठीक है। स्टे हेल्दी के लिए तो बहुत इजी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके, कीप अस स्टे हेल्दी के लिए। लेकिन कंफ्यूजन होता है इन दोनों में, एनर्जी गिविंग फूड में और ग्रो के अंदर, है ना। तो फॉर दैट वी हैव मेक वन चार्ट ऑल्सो, जिससे हमें पता चले कि कौन से फूड आइटम्स हैं जो एनर्जी के लिए काम में आते हैं। जैसे हम चपाती खाते हैं, है ना, आफ्टरनून में खाते हैं तो हमें वर्क और प्ले रह प्ले करने की ताकत मिलती है। फिर नाइट में हम फिर से चपाती राइस खाते हैं, है ना, तो वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग्स। और जिस तरह से हम मॉर्निंग में ब्रेड बटर खाते हैं तो उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। और ग्रो करने के लिए मिल्क, एग, फिश और दाल, ये चीज़ें खाने से हम ग्रो कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक वी विल रिवाइज अबाउट द मील टाइम। मील टाइम मीन्स हम जो खाना खाते हैं, मील खाते हैं ना, हम 3 टाइम्स दिन में खाना खाते हैं। एक तो हम मॉर्निंग में खाते हैं, जैसे कि हमारी क्लॉक है, तो एक तो हम कब खाना खाते हैं, मॉर्निंग में खाते हैं, है ना, एक तो हम मॉर्निंग में खाना खाते हैं, यस। फॉर एग्जांपल हम मॉर्निंग में 9 o'clock मॉर्निंग में हम 9 o'clock खाना खाते हैं, ठीक है, हम ब्रेकफास्ट करते हैं मॉर्निंग के अंदर। तो हमें ब्रेकफास्ट में ऐसी फूड आइटम्स लेनी चाहिए जो ये 3 कॉलम में आती हो, मतलब हर कॉलम में से हमें एक एक फूड आइटम को चूज़ करना चाहिए और हमें खाना चाहिए। इससे हम बहुत फिट एंड फाइन रहते हैं, इसे हम हेल्दी फूड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मिल्क पी लिया टू ग्रो, फिर मैंने फ्रूट्स खा लिए फॉर हेल्दी रहने के लिए, एंड उसके बाद मैंने नाश्ते में कर लिया बटर टू गेट द एनर्जी, बटर पराठे में लगा लिया या फिर बटर मैंने वैसे खा लिया, कैसे ब्रेड में लगा के। इसी तरह से व्हेन वी डू द मील एट आफ्टरनून, आफ्टरनून में खाते हैं जिसे हम लंच बोलते हैं, तो इन द लंच ऑल्सो वी हैव टू चूज वन फूड आइटम फ्रॉम ईच ग्रुप। हमें हर एक 3 ग्रुप्स में से, ईच ग्रुप में से फूड आइटम को चूज़ करके उसे हमें खाना चाहिए, ओके। तो जैसे कि हमने ले लिया चपाती फ्रॉ टू गेट एनर्जी, उसके बाद हमने ले लिया दाल फॉर ग्रो, और ले लिए वेजिटेबल, है ना, वेजिटेबल खा लिए टू स्टे हेल्दी। इस तरह से वी विल ईट लंच, वी विल ईट डिनर एट नाइट, हम रात को डिनर खाते हैं। वी हैव टू टेक ईच वन फूड आइटम फ्रॉम द ईच ग्रुप, वी हैव टू ईट वन फूड आइटम फ्रॉम द ईच ग्रुप, एटलीस्ट वन फूड आइटम तो हमें हर ग्रुप में से खानी ही चाहिए, है ना। तो ये हमें बहुत अच्छे से हेल्प करती है ग्रो करने के लिए। जो हम पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें खाते हैं, इट्स कॉल्ड अ जंक फूड, और ये हमें हेल्दी रहने के लिए बिल्कुल भी काम में नहीं आते। तो वी शुड अवॉइड दैट थिंग,
हमें ये चीज़ें कम खानी चाहिए और हमें फूड आइटम में हेल्दी फूड ज़्यादा खाना चाहिए, जिससे कि हम ग्रो कर सकें, जिससे हमें हेल्थ अच्छी रह सके। ओके, तो आज से हम ये फिक्स कर लेंगे कि हम डेली कौन सी फूड आइटम्स खाएंगे, जो फूड आइटम्स हमें हेल्थी रहने के लिए बहुत मदद करती है। ओके, यू हैव टू कंप्लीट दिस कॉलम इन A51 बुक पेज नंबर एंड फॉलो द डाइट विच हेल्प अस टू ग्रो, स्टे हेल्दी एंड गेट एनर्जी। गुड बाय।